हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बहुत सा फाइनेंशियल बाजार अब इन्वेस्ट फॉर एवर हो गया, सो डोंट बी कंफ्यूज। और हमारी 2 दिन से एक दिन वीडियो नहीं आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट कोई इशू नहीं, अब दोबारा वीडियो इसी तरीके से आनी शुरू हो जाएगी। और अगर हम बात करें इस वीडियो की, तो जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया, वॉरेन बफेट जी का अगर बात करें, काफ़ी टाइम पहले जब ये कंपनी आई थी तभी उन्होंने वॉरेन बफेट साहब ने वहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया। और वो कंपनी इंडिया में भी लिस्टेड है, ओके, एज अ इंडिया उसके आगे लिखा हुआ है। तो उसी चीज़ से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और जानने वाले हैं उस कंपनी से रिलेटेड। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने यहाँ पर खड़ी हुई है, बहुत अच्छे गेन के लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उस शेयर में तो बने रहना ही है, बाकी शॉर्ट टर्म में भी वो पैसा बना के देगा ही देगा। और बात करें, एक काफ़ी टाइम से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से एक ही पीरियड में कंसोलिडेट होता हुआ आ रहा है, बट अभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो शेयर भागना शुरू होगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। और हम बात कर रहे हैं आज शेयर से रिलेटेड, उसकी हम बात करते हैं, बट यहाँ पर आपके लिए डिस्क्लेमर है कि क्या कहते हैं, अगर आप कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी डेफिनेटली करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखना है बस, और सीख के यहाँ पर आपको काम करना है। बात करें परसों की डेट में, यहाँ पर 2-3 वीडियो से रिलेटेड हमने यहाँ पर बात करी और आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आप यहाँ इन वीडियोस को जाके एक बार गो थ्रू करिए, आपको काफ़ी सारी यहाँ पर नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी। तो आइए वीडियो की तरफ। जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं उसका नाम जिलेट इंडिया है, ओके। और जिलेट इंडिया आपको पता ही है, इंडिया का ब्रांड नहीं है, इंडिया तो लिखा हुआ है, इंडिया में यहाँ पर है, बट ये एक्चुअली यूएस का ब्रांड है। और अगर बात करें 5600 रुपीज़ के आसपास ये शेयर जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करें फ्राइडे की, तो लगभग 1% यहाँ पर गिरावट है। और 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पर देखिए गिरावट है, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो सेम इसी कंसोलिडेशन पीरियड में यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर 6 मंथ की, सेम देखिए ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया, तो इस तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। 1 ईयर की बात करें, सेम यहाँ पर इसी पीरियड में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। 5 ईयर में यहाँ पर देख लेते हैं चार्ट, यहाँ पर मतलब अच्छा खासा भागा, फिर उसके बाद एक गिरावट है। 2019 के बाद से एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट है। और अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी इसका काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी बेहतरीन है, बट यहाँ पर वॉलेटिलिटी यहाँ पर साफ नजर आती है। इस चीज़ को भी आपको देखना होगा, इसकी गिरावट को भी देखना होगा। बाकी अगर बात करें यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड, तो देखिए इंडिया में आई थिंक मोस्टली पीपल यहाँ पर यही इनका ही जिलेट का प्रोडक्ट यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। तो इस पे भी विश्वास किया जा सकता है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर लोअर 52 वीक लो 4800 के आसपास, और कुछ भी नहीं है, लगभग 5600 रुपये के आसपास ये शेयर अभी भी चल रहा है। 52 वीक हाई की बात करें 6200 रुपये पर गया था, उसके बाद से लगभग 600 रुपये टूट चुका है यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर 59% के आसपास यहाँ पर डिलीवरी बेसिस में यहाँ पर ये शेयर लेते हुए नजर आया है। और भी कुछ चीजों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड बहुत बेहतरीन देती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 रुपीज, 25, 49, 33, 50 रुपीज का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए नजर आते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर 75% के शेयर यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास है, और कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। कंपनी ने एक बार बोनस भी दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्प्लिट कंपनी ने नहीं दिया है, बट राइट इशू यहाँ पर कंपनी ला चुकी है, और डिविडेंड तो कंपनी देती ही रहती है, आपको पता ही है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकी, एक बार साइट पर जाके देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप ये देखते हैं जिलेट इंडिया लिमिटेड is a public company incorporated under the provision of the Company Act 1956. The company is engaged in the manufacturing and selling of packaged fast-moving goods under its various brands in the grooming and the oral care segment. Okay, तो इसमें ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अगर बात करें जिलेट का, यहाँ पर रेजर भी आता है, ब्लेड भी आती है, शेविंग जेल भी आता है, क्रीम भी आती है, आफ्टर शेव थ्रू भी जाता है यहाँ पर। और वेरियस मोड्स लाइक ड्रग स्टोर्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर, मास यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलते हुए नजर आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें और भी कुछ चीज यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी हम बात करें तो यहाँ पर जो जिलेट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट PNG के नाम से भी यहाँ पर ये कंपनी जानी जाती है। और आपको पता ही है PNG के प्रोडक्ट कितने बेहतरीन भी है, बट हमारे यहाँ पर PNG के नाम से भी आई थिंक एक शेयर यहाँ पर लिस्टेड है, बट यहाँ पर अगर ब्रांड की बात कर लेते तो ब्रांड यहाँ पर देख लेते एक बार, या फिर हम सीधे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जिलेट के जो प्रोडक्ट्स हैं, और आई थिंक सबके सब जिलेट के प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। तो इसके ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं। इसका PNG तो यहाँ पर अलग है, बट जिलेट यहाँ पर मोस्टली जिलेट के प्रोडक्ट्स ही आते हैं। यहाँ पर अगर गूगल पे अगर हम टाइप करें जिलेट इंडिया वेबसाइट, तो आपको एक्चुअली पता चल जाएगा। कि मैं बात क्या कर रहा हूँ कि इनके जो प्रोडक्ट्स है मास्टरी टर्बो ओके यहाँ पर मतलब थिनस्ट ब्लेड इस तरीके से यहाँ पर देखिए जिलेट से जितने भी यहाँ पर है प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको यूज करते हुए यहाँ पर सारी पब्लिक यहाँ पर यही प्रोडक्ट यूज करती हुई नजर आती है। स्टाइलिंग फेशियल हेयर ओके बॉडी शेविंग एंड ट्रिमिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टरी के यहाँ पर कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं। तो मोस्टली आप यही प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज भी करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स में रहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किन गार्ड सेंसिटिव मतलब ये सारे इसी सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। बट अगर हम यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं और आपको पता ही अच्छा खासा प्रोडक्ट है और सब घरों में यहाँ पर यूज किया ही जाता है ये प्रोडक्ट। मार्केट कैपिटल की बात करें तो देखिए 18,248 मतलब मिड कैप कंपनी नजर आती है। पीई रेशियो की बात करें 55 का पीई है। आरओसी 37.9% का है जो सबसे बेहतरीन है। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेजिंग नहीं है ओके। तो कंपनी के जो पैरामीटर है सबको अच्छा नजर आ रहा है। बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीजों की तो यहाँ पर आप देख लीजिए सेल्स इस बार की जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर सेल्स है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हाईएस्ट एवर सेल्स आने का मतलब है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। और ऐसा अगर बात करें कंटिन्यूटी भी यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने एक बार अच्छा परफॉर्मेंस किया फिर यहाँ पर बेकार परफॉर्मेंस किया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बीच में यहाँ पर अगर बात करें 2000 जब कोविड का पीरियड था तब थोड़ी बहुत गिरावट होती हुई नजर आई थी। फिर उसके बाद दोबारा से वही यहाँ पर शुरू हो गया। ऑफिस शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है लोग यहाँ पर बियर्ड क्लीन शेव करके ही जाएंगे। तो आपको ये भी पता है। नेट प्रॉफिट की बात करें हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी आता हुआ नजर आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है मतलब दोबारा यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी वो दोबारा लॉकडाउन के थ्रू वो खत्म होती है नजर आ रही है। और अब यहाँ पर दोबारा कंपनी का बिजनेस एज इट इज चलना शुरू हो गया है। सेल्स की बात करें ईयरली बेसिस देखिए 652 843 1000 1200 1400 1600 18 17 17 16 18 16 और अभी हाईएस्ट एवर 1900 करोड़ रुपीज के आसपास का यहाँ पर सॉरी 1900 करोड़ रुपीस के यहाँ पर सेल्स है। हाईएस्ट एवर सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। जब यहाँ पर सब चीज हाईएस्ट एवर आ रही है तो सेल्स यहाँ पर प्रोडक्ट इसका जो शेयर प्राइस है वो भी तो हाईएस्ट एवर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज को देखना है। रिजर्व्स की बात करें अच्छा खासा रिजर्व्स है 458 करोड़ का रिजर्व्स यहाँ पर 896 करोड़ का है। कोई बोरिंग नहीं है। कंपनी का फिक्स एसेट देखिए कंपनी ने यहाँ पर फिक्स एसेट में यहाँ पर खर्च करती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्स एसेट बढ़ना है मतलब कंपनी अब दोबारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में भी कंपनी खर्च करती हुई नजर आ रही है। कैश इक्विवेलेंट अच्छा खासा है। ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा मिल रहा है। जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आरओसी काफी बेहतरीन हमेशा ही रही है इनकी। शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% की होल्डिंग प्रोमोटर्स की। एफआईज ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा ली है। डीआईएस ने 6% की हिस्सेदारी बढ़ा ली है। यहाँ पर जब सब चीज पैटर्न हमें अच्छा लग रहा है। एलआईसी ने यहाँ पर अगर बात करें एलआईसी की ने यहाँ पर थी पहले तो यहाँ पर से यहाँ पर हो गई है बाकी और कुछ नहीं है। डीआईएस के पास पहले भी 10% की हिस्सेदारी थी अब भी इतने % की ही हिस्सेदारी है। और बात करें यहाँ पर पब्लिक की तो पब्लिक के पास यहाँ पर अगर बात करें 5% यहाँ पर घटा दिया जाए तो लगभग 7 और 7.5% की हिस्सेदारी ही पब्लिक के पास नजर आती है। उसके अलावा कोई भी हिस्सेदारी यहाँ पर लोगों के पास है ही नहीं। मतलब बात करें इसमें भी HNIs ही आ जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ चार्ट पैटर्न की तो देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो ये 2019 में सॉरी यहाँ पर लगभग 8200 रुपए के आसपास यहाँ पर शेयर चलता था 2019 में। और अगर हम यहाँ बात करते हैं 2019 की सेल्स की यहाँ पर अगर हम कुछ देख लेते हैं ये कौन सा सन है मतलब ये अक्टूबर 2019 है मतलब अक्टूबर 2019 में यहाँ पर सेल्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं अक्टूबर 2019 मतलब ये वाला क्वार्टर दिसंबर वाला 459 करोड़ रुपीस की सेल्स थी तो अभी 537 हाईएस्ट एवर सेल्स यहाँ पर नजर आ रही है। प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट भी यहाँ पर अगर देखें 71 से 106 हो चुका है। ईयरली बेसिस पे भी अगर 2019 को 2000 इससे बात कैलकुलेट करें तो लगभग ज्यादा ही यहाँ पर सेल्स होती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर आता हुआ मतलब हर चीज तो यहाँ पर अच्छी खासी होती है नजर आ रही है। जब यहाँ पर है तो ऑब्वियसली बात है ये जो शेयर है उसे भी यहाँ तक जाना ही जाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर वेट करते हैं तो यहाँ पर तक आपका शेयर प्राइस जाना ही है 8200 रुपये। तो इस टारगेट को तो आप मान के ही चलिए जो कि सूनर और लेटर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। बट अगर हम बात करते हैं कुछ चार्ट पैटर्न के और चार्ट पैटर्न के बेस पर भी अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर 2-3 चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए एक कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है ओके। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका एक कप विद हैंडल पैटर्न जो अभी रिसेंटली बन रहा है। एक छोटा सा यहाँ पर कप फिर उसके बाद यहाँ पर हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम इसको बात करते हैं ये शेयर यहाँ पर से कितना % का यहाँ पर गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर से उठा के इसे इसके टॉप पे रख देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर देखते हैं शेयर प्राइस कितना नजर आ रहा है, तो ये शेयर प्राइस नजर आ रहा है इतना, मतलब 6500 रुपए के आसपास। और अभी कितना चल रहा है, 5600 रुपए का यहाँ पर शेयर चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसके अभी से कि अभी से अभी कितना आपको गेन देता हुआ नजर आ रहा है, तो देखिए 15-16% का गेन तो यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर अंदर शायद आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बेहतरीन कंपनी है और सबसे अच्छे यहाँ पर रिजल्ट पेश हुए हैं। बट इसके अलावा और भी कुछ बातें करें तो यहाँ पर देखिए और भी यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए एक टारगेट यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है 6500 रुपए के आसपास, और एक चार्ट पैटर्न यहाँ पर दोबारा बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये कब बना, फिर उसके बाद ये हैंडल बना, और फिर उसके बाद एक और हैंडल, मतलब रिवर्स अगर बात करें कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और फिर इसमें भी यहाँ पर टारगेट सेम ही नजर आ रहे हैं, ऐसा कोई खास मतलब नहीं है, मतलब इतना ही टारगेट पहला नजर आ रहा है और एक बार यहाँ पर अचीव हुआ, फिर दोबारा यहाँ पर शायद यहाँ पर से दोबारा यहाँ पर रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न दोबारा शायद और कुछ बनता हुआ नजर आएगा। तो पहला टारगेट 6500 रुपए, दूसरा और लॉन्ग टर्म का अगर यहाँ पर बात करें तो 6 महीने का अगर वेट कर लेते हैं, 1 साल का वेट कर लेते हैं, तो ये भी टारगेट अचीव होते हुए हमें नजर आएंगे। तो जिलेट इंडिया अगर बात करें यहाँ पर, ये लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से यहाँ पर शेयर है, और बात करें यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर हर्डल्स पहले भी आते रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर शेयर चलता हुआ आता ही रहा है। तो बेहतरीन यहाँ चार्ट पैटर्न, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सब चीज हाईएस्ट एवर आ गई है, और दो यहाँ पर फिर इसे यहाँ पर इस रेंज में जाना ही जाना है। तो ये कहने का मतलब है, बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके आपको करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।